हम सभी का मन अनेक जन्मों के संस्कारों और वृत्तियों के कारण या तो बहुत जिद्दी है जिसे बुद्ध ने कहा कि चार तरह के घोड़े हैं, एक वे जिनको आप हंटर मार मार के चलाएं तो वो चलें, एक तरह के घोड़े वे हैं जिनकी स्थिति होती है कि उनको कोड़ा मारना नहीं पड़ता पर कोड़ा दिखाना जरूर पड़ता है, तीसरी तरह के वे होते हैं जिन्हें उंगली के इशारे से चलाया जाता है, वहां हंटर का काम नहीं है, उंगली काम कर जाएगी, और चौथी तरह के वे हैं जो मालिक की मर्जी से चलते हैं, वो समझ जाते हैं कि मालिक किधर ले जाना चाहता है, बस ऐसे ही या तो हम बहुत ही बिगड़ैल घोड़े हैं और हमारी आदतें हमें चला रही हैं, हमारे अपने खुद के वश में कुछ भी नहीं है, जैसे हम हो गए जैसी आदतें बन गई, अब आदतों के अनुसार हमें जीना पड़ता है, हम कितने भी संकल्प करें लेकिन अगर आदत कुछ और है तो होगा यही कि हम कहते कुछ रहेंगे लेकिन होगा वही जो हमारी आदत होगी। इसलिए ये बड़ी विचित्रता है कि हर दिन हम अपनी आदत बनाते हैं और आदत फिर हम सबकी जिंदगी को बनाती है, जिधर हमें आदत चलाती है फिर हम उधर चलने लग जाते हैं और हमारी आदतों को चलाने में ध्यान रख लीजिए केवल ऐसा कहें कि हम संकल्प करके बदल लेंगे अपने आप को तो ऐसा संभव नहीं होता। बहुत लोग कसमें खाते हैं लेकिन कसम खाकर भी होता वही है जो हमारी आदत पड़ जाती है, तो ये ध्यान रख लीजिए कि पहले तो ये चुनना है कि हम कौन से घोड़े हैं, कैसी आदत बन गई हमारी। अगर ऐसे घोड़े हैं कि जिनको मार मार कर कोई चलाए, जब तक डर दिखाएं तब तक हम लोग ठीक। आपने देखा होगा ऐसे घोड़े आप पहचान लेंगे, लाल बत्ती पर जब तक पुलिस वाला दिखाई देता है गाड़ी रुकेगी, और अगर दिखाई देता है कोई देखने वाला है ही नहीं तो क्या समझ में आता है कि गाड़ी बढ़ाई जा सकती है आगे, लाल बत्ती पार की जा सकती है। ऐसे लोगों को डंडे का डर चाहिए, इसलिए कहा दंडम धर्मम विदुर्बुधा, दुनिया में दंड राज्य कर रहा है, अगर डंडा ना हो। जिन जिन देशों में ज्यादा कानून का प्रभाव है उन लोगों ने अपने कानून को सख्त किया हुआ और रिश्वत लेने का रास्ता नहीं छोड़ा, क्योंकि जगह जगह कैमरे हैं। अमेरिका में हम थे तो वहां देखा एक व्यक्ति जो हमें लेकर जा रहा था तो
जहां हम थे वहां से जैसे ही पार्किंग में आए तो देखा एक गाड़ी पर एक चिट चिपकी हुई है। मैंने पूछा कि ये क्या है, बोले किसी व्यक्ति से गाड़ी पार्क करते समय कहीं कोई किसी गाड़ी को नुकसान हो गया, तब इसने उस पर एक चिट चिपकाई है जिस पर लिखा है कि मेरे से गलती हुई, माफी चाहता हूं, मेरा ये कार्ड है, जो आपकी गाड़ी को नुकसान हुआ आप मुझे फोन कीजिए, मैं ठीक करा करके दूंगा। तो मैंने कहा यहां इतने ईमानदार लोग रहते हैं? उन्होंने कहा आदमी ईमानदार होता नहीं, उसे बनाना पड़ता है, क्योंकि कैमरे लगे हुए हैं। यहां से जैसे ही कंप्लेंट जाएगी तुरंत पुलिस एक्शन में आएगी, इस आदमी के इंश्योरेंस पर असर पड़ेगा, इंश्योरेंस डबल देनी पड़ेगी इसको। गलती अगर इसने एक आध बार और की भी है तो इसके लाइसेंस में भी मार्क आ जाएगा, निशान आ जाएगा। और बात इतनी नहीं, इसके बिहेवियर के बारे में भी रिपोर्ट लिखी जाएगी, और अगर इसने फिर तीसरी बार गलती की तो हो सकता है इससे भी बड़ा इसको वार्निंग भी दी जाए और इसके बिहेवियर के बारे में भी लिखा जाए, और अगर फिर गलती कर दी तो लाइसेंस भी गया, सजा भी, और साथ में व्यक्ति के कैरेक्टर को भी लिखा जा रहा होता है। उसके बाद आगे तक के कोई भी गलती करेगा तो ये माफ नहीं होगा। हर आदमी ये जानता है कि यहां जीना है तो गलती के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ध्यान रखिए, जहां देखने वाला है और साथ में कोड़ा है, ऊपर से कानून का डंडा है, हंटर है, घोड़ा ठीक चल रहा है, और जहां कोई देखने वाला है ही नहीं, जंगल में जो घोड़े चल रहे हैं वहां कोई नहीं देखता, उछल रहे हैं कहीं भी, जंगल राज कहीं भी होगा तो फिर गाड़ी के पीछे लिखा जाता है ये तो ऐसी ही चलेगी, छेड़ने की जरूरत नहीं। कुछ लोग लिख देते हम नहीं सुधरेंगे, उनके माथे पर पहले लिखा हुआ होता है अंदर दिमाग में कि हमें सुधारने की कोशिश मत करना, हम सुधरने वालों में से नहीं है। तो एक घोड़े वो हैं जिन पर हंटर चाहिए, दूसरे वे जिनको हंटर मारना नहीं पड़ता, दिखाना पड़ता है। तो जिनको समझ होती है कि यहां कानून बड़ा सख्त है, वहां लोग ठीक रहते हैं। आप जाएं सिंगापुर तो वहां आप जैसे ही अपनी किसी पूरे बस में बैठे हुए हैं और आपके साथ आपका दल है तो आपके अपने पूरा ग्रुप आपके साथ है तो वहां आपका गाइड आपको पहले ही बता देता है कि अगर आपने यहां कोई भी पर्ची फाड़कर सड़क पर डाली, सब जगह कैमरे हैं, आपको तुरंत पकड़ा जाएगा, $200 का आपको उसी समय पनिशमेंट आपके लिए होगा, आपको उतने पैसे देने पड़ेंगे। और अगर आपने कुछ ज्यादा बड़ा कर दिया, ज्यादा कूड़ा फैला दिया तो पनिशमेंट तो ये होगा ही, लेकिन उसके बाद आपको वो इज्जत से लेके जाएंगे और आपके गले में एक तख्ती डाली जाएगी जिस पर आपका नाम लिखा हुआ होगा और आपके हाथ में झाड़ू दी जाएगी। फिर आपको 2 घंटे के लिए सड़क पर सफाई करने के लिए छोड़ा जाएगा और आप अकेले नहीं होंगे,
ऐसे ही आप जैसे भाई और भी मिलेंगे, उनको भी साथ में खड़ा किया जाएगा। और इधर से गुजरता हुआ कोई भी ट्रैफिक वाला जब आपको देखेगा और आपकी तरफ देखकर मुस्कराएगा, तब आपके दिल पर क्या बीतेगी ध्यान रख लेना। तब आदमी अपनी जेब से कुछ भी निकालकर फेंकते समय 10 बार सोचता है, क्योंकि यहां डंडा है, कानून है, देखने वाला है, हंटर से चलने वाले एक तरह के घोड़े। और जहां समझा दिया गया कि यहां हंटर है, सिर्फ छाया दिखानी ऊपर से, गाइड ने बता दिया, सुधर जाते हैं लोग। हालांकि उसके बाद भी ऐसा होता है, मशीनें लगाई हुई हैं, चालाक आदमी आएगा, वो हीथ्रो हवाई अड्डे पर लगी हुई मशीनें जो जूते पॉलिश करती हैं, इंडिया वाला जाके करता जरूर कुछ ना कुछ कमाल, क्योंकि उसमें जैसे पांव डालेंगे तो एक जूता साफ होगा, जैसे दूसरा डालेंगे तो साफ होने के बाद फिर वो जूते को और आपके पांव को वही पकड़ लेती मशीन। जैसे आप अपना एक सिक्का डालेंगे तो मशीन तब छोड़ती है। अब यहां वाले जो है कलाकार जाते हैं, एक मशीन में एक पांव डाला, जूता साफ करा लिया, फिर निकाल लिया, फिर दूसरी मशीन में अपना पांव डाल के और अपने जूते साफ करा के निकल जाते हैं। मुश्किल उस अंग्रेज की पड़ती है जो आके जैसे ही पांव डालेगा और मशीन पांव पकड़ेगी, जब तक सिक्का नहीं डालेगा छोड़ेगा नहीं, दूसरे वाले में डालेगा पांव तो वहां भी सिक्का डालना पड़ेगा, तब जाकर वो पांव छोड़ेगी। और फिर वो कहेंगे कि हमने तो एक ही तो जूता साफ कराया, पांव पकड़ रही है मशीन, क्योंकि कलाकार काम कर गया। बिगड़ेल आदमी कहीं भी अपनी चालाकी दिखाएगा। ध्यान रखिए, पहले हम आदतें बनाते हैं, फिर आदतें हमारी जिंदगी बनाती है। किसी भी अच्छी आदत को सीखना मुश्किल होता है, ध्यान देना, किसी भी अच्छी आदत को सीखना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही हम सीख जाते हैं उसके साथ जिंदगी आसान हो जाती है। बुरी आदतें आसानी से आती हैं, उन्हें सीखना नहीं पड़ता। बुरी आदतें आसानी से आती हैं, उन्हें सीखना नहीं पड़ता, पर उनके साथ जिंदगी मुश्किल में पड़ जाती है और फिर छुड़ाए से नहीं छूटती। तो इसलिए इस भूमिका के साथ मैं आपको कुछ मंत्र सुनाऊंगा, जिन्हें आप ध्यान से सुनेंगे और उनका अर्थ ध्यान में लाएंगे और मनन करेंगे कि हम क्या हो गए, क्या होने चाहिए थे, किधर जाना था, कहां आकर खड़े हो गए और अब भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है। तो उन मंत्रों को पढ़ने से पहले मैं आपको ये सुना दूं कि पहली कैटेगरी हंटर से चलने वाले, दूसरे वे लोग जिनको हंटर दिखाया जाता है, मारा नहीं जाता, तीसरे लोग वो हैं जो इशारा समझते हैं। जो इशारा समझते हैं मतलब कानून को पढ़ते हैं, ज्ञान को समझते हैं, वो शरीर के कानून को समझेंगे बीमार ना हो जाएं, वो घर परिवार की व्यवस्था के कानून को समझेंगे कि मेरे घर को ठीक चलाने के लिए क्या करना है। वे लोग बिजनेस के बारे में समझेंगे, कोई भी बिना योजना के काम नहीं करना, तो सब जगह रूल रेगुलेशन बना रखा है। एक सज्जन बता रहे थे कि मेरा मसालों का काम था और मैं मिलावट तो करता ही था। मैं अपने गुरु के पास गया तो गुरु ने कहा कि देख भाई, क्या खाएगा और क्या पहनेगा,
बच्चों का नाम लेकर गुनाह मत करना और गुनाह की जिंदगी मत जीना। बच्चों का भविष्य तुम नहीं बना सकते, वो किस्मत लेकर आए अपनी। तुम उनकी किस्मत बदलना चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता। जितना काम करोगे ईमानदारी से करो, खाने पीने की चीजें में मिलावट मत करना। कि गुरु ने आदेश दिया तो मैंने उसी दिन, हल्दी में वो बता रहे हैं कि चावल का आटा पीस के मिलवाया हुआ था और पूरा एक ट्रक हल्दी तैयार की हुई थी वेट बढ़ाने के लिए, और चीज ऐसी मिलाते थे जो किसी को नुकसान तो नहीं देती थी लेकिन फायदा हमें बहुत होता था। अब गुरु को वचन दिया नई जिंदगी शुरू करेंगे, नया साल आया, कब सुधरेंगे, आज मौका है। बोले हमने जमुना में एक ट्रक पूरा का पूरा हल्दी का डलवा दिया। ईमानदार हो गए, चीजें महंगी हो गई, मुनाफा हो नहीं, 2 साल काटने मुश्किल हो गए। और समझाने वाले कहें साहब जी थोड़ा तो चलता है, थोड़ा थोड़ा तो चलता है, थोड़ा तो करना ही पड़ेगा ना, बिजनेस नहीं कर सकते आप, कंपटीशन है। कि हमने कहा भाई जितना हमने कमा रखा उतने में गुजारा कर लेंगे, बंद कर देंगे इसको, अब गलत नहीं। बोले 2 साल के बाद लोगों को समझ में आने लग गया कि चीज लेनी है तो इस आदमी के लेनी है, इसी की दुकान पर जाएंगे, रेट सही, माल सही, स्वाद अच्छा, भोजन का स्वाद बन जाता है इसके मसालों से। और वो सज्जन बता रहे थे कि उसके बाद मेरी कंपनी चलनी शुरू हुई। अब हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा विदेशों तक में उनके मसाले जाते हैं, मैं उनका नाम लेकर विज्ञापन नहीं करूंगा, लेकिन वो कहते हैं कि अब जो उस ईमानदारी और गुरु के आशीर्वाद ने हमको बढ़ाया तो इतना बढ़ा दिया कि दुनिया का कौन सा देश है जहां हम मसाले सप्लाई नहीं करते, हर घर में लोग खाते हैं। तो कुछ लोग गुरु की आवाज सुनकर अपने आप को संभाल लें, जिंदगी बदल जाए। और एक वे होते हैं कि जिनको चौथे घोड़े, जिनको ना इशारा करना, ना हंटर दिखाना, ना हंटर मारना, वो चौथी तरह के ऐसे होते हैं जो मालिक की मर्जी से चलते हैं। अंतकरण में आवाज उठती है ना, जिसको कहा कि धर्म क्या है, आत्मन प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे, जैसा अपने लिए चाहते हो वैसा व्यवहार दूसरों के लिए करना शुरू करो। पुराणकारों ने जैसे कहा कि जैसी इच्छा तुम करते हो खुद के लिए, जैसा बर्ताव खुद के लिए चाहते हो और जैसा बर्ताव तुम अपने बच्चों के लिए चाहते हो वैसा बर्ताव दूसरों के साथ करना शुरू कर दो, बस इसी का नाम धर्म है, ये धर्म अपनाओ। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 16 जनवरी 2024 समय दोपहर 4 से 6:30 बजे, सत्संग स्थल रामदेव बाबा लॉन, पांडुर्णा रोड, वरुण, जिला अमरावती, महाराष्ट्र। विशेष कार्यक्रम शोभा यात्रा 16 जनवरी 2024 दोपहर 12 बजे श्री केदारेश्वर स्थान से रामदेव बाबा लॉन। आयोजक हरिओम टाइल्स, पांडुर्ण चौक, वरुण, जिला अमरावती एवं समस्त वरुणवासी। संपर्क सूत्र, आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। परम
पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर राशिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 17 से 21 जनवरी 2024 कार्यक्रम की रूपरेखा 17 से 21 जनवरी सायं 4 से 6:30 बजे 18 से 21 जनवरी प्रातः 9 से 11:30 बजे विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 20 जनवरी प्रातः 11:30 बजे स्थान रशीमबाग मैदान नागपुर आयोजक विश्व जागृति मिशन नागपुर मंडल संपर्क सूत्र आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं।